हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट LIC की तरफ से आ रहा है। LIC के अंडर जो आपकी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हुए थे 8500 प्लस वैकेंसीज के अंडर, जिसमें आपकी तीन कैटेगरी थी, ओपन मार्केट कैटेगरी, एजेंट कैटेगरी एंड एम्प्लॉयज कैटेगरी। तो ओपन मार्केट कैटेगरी का जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जो कि 6 जुलाई 2019 को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फ्रेंड्स इसका आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तो फाइनली आपका ओपन मार्केट कैटेगरी का जो रिजल्ट है वो अभी अभी LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है। क्लियरली फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीलिमिनरी जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था ओपन मार्केट कैटेगरी के लिए, उसका अब यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जोन्स के लिए और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिस्टें अपलोड हो चुके हैं। अब अपना आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, जो आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट दिया था इसमें आप क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं उनका यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के लिए जा रहा है, जो कि आपका 11 अगस्त फ्रेंड्स 2019 को कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका ओपन मार्केट कैटेगरी का मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वो आपका 11 अगस्त 2019 को कंडक्ट होगा, प्लस आपका जो एजेंट एंड एम्प्लॉय कैटेगरी का पिछला अपडेट LIC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिक्लेयर किया था, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसका आपका एग्जाम 10 अगस्त 2019 को यहां पे इन्होंने दिया हुआ है कि मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होना था, लेकिन अब आपका जो मेन एग्जामिनेशन है एजेंट एंड एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए रिवाइज डेट उसकी आ चुकी है। अब आपका मेन एग्जामिनेशन सभी कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स 11 अगस्त 2019 को कंडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जो आपका ओपन मार्केट कैटेगरी का प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें आपका डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज क्या रिजल्ट रहा है, कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के लिए और अलग अलग कैटेगरी वाइज, उसके बाद हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे जो स्टूडेंट्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो चुके हैं उनको अपने मेंस एग्जामिनेशन के कॉल लेटर को कैसे डाउनलोड करना है। फोन से कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई जाएगी, एजेंट वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और जो आपका एम्प्लॉय कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, जिनका आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा सभी के लिए, जो आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे, प्लस आपका जो पैटर्न रहेगा मेंस एग्जामिनेशन में क्या पैटर्न रहेगा और किस तरीके के सैंपल टाइप क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन तीनों कैटेगरी के लिए, वो हम फ्रेंड्स इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये सारे डाउट्स आपकी जो कि आपकी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के रिलेटेड फ्रेंड्स रहेगी। तो सबसे पहले यहां पर प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट ओपन कर लेते हैं। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जोन वाइज आप यहां पर देख सकते हैं, तो जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हैं, नॉर्थ जोन या फिर आप ईस्ट जोन से बिलोंग करते हैं, तो उसकी लिस्ट आप यहां पे ओपन कर लेंगे। अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो अनरिजर्व्ड की आप यहां पे लिस्ट ओपन कर लेंगे। तो यहां पे मैं एक लिस्ट ओपन कर लेता हूं नॉर्थ जोन की। तो नॉर्थ जोन की आप यहां पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज लिस्ट। अगर आप SC ST या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे अपनी रिस्पेक्टिव जोन से रिलेटेड लिस्ट को ओपन करना है और अपना यहाँ पे नाम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। अगर आपका नाम यहां पे अपीयर हो जाता है तो आप यहां पे शॉर्टलिस्ट हो चुके हो मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हो तो यहां पे आप देख सकते हैं नॉर्थ जोन के अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट यहां पे आ चुके हैं। यहां पे लिस्ट पे आप नाम अपना चेक कर सकते हैं, जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट हुआ था इसमें आप क्वालिफाई हो चुके हैं या फिर नहीं हो चुके हैं। तो जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हैं और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसकी लिस्ट आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे और कैटेगरी वाइज भी अपना जो रिजल्ट है वो यहां से देख लेंगे कि आप यहां पे फ्रेंड्स क्वालिफाई हो चुके हैं या फिर आप यहां पे क्वालिफाई नहीं हुए, यहां पे आप अच्छे तरीके से फ्रेंड्स चेक कर सकते हैं। तो ये तरीका आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो आपने 6 जुलाई 2019 को एग्जाम दिया था उसमें आप क्वालिफाई हो चुके हैं, तो आपको यहां पे मेंस एग्जामिनेशन के लिए फ्रेंड्स शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। तो अब हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं, जो आपका मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के लिए जा रहा है ओपन मार्केट एजेंट कैटेगरी और आपका एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए, इसके मेंस एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड को आपने कैसे डाउनलोड करना है, प्लस आपका उसमें क्या पैटर्न रहेगा और नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड जो आपकी डाउट है वो भी फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए यहां पे डायरेक्टली लिंक अवेलेबल है, आपको डायरेक्टली यहां पे LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। लिंक मैं आपको डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आपको वहां पे डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक कर लेना है और आपके पास ये वाला पेज यहां पे ओपन होके आ जाएगा।
उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे डाउनलोड कॉल लेटर पे क्लिक कर लेंगे तो यहां पे आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहां पे आपने इसको करना है डेस्कटॉप सेट, ताकि आपका जैसे लैपटॉप पे पेज ओपन होके आता है वैसे ही आपके मोबाइल में पेज ओपन होके फ्रेंड्स आ जाएगा। तो यहां पे डेस्कटॉप सेट हमने ऑन कर ली है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन एग्जाम कॉल लेटर का यहां पे नेक्स्ट विंडो ओपन होके आ चुकी है। अभी अभी आपके कॉल लेटर मेन एग्जामिनेशन तीनों कैटेगरी के यहां पे आ चुके हैं, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने कॉल लेटर, और 11 अगस्त 2019 को आपकी लास्ट डेट रहेगी कॉल लेटर को डाउनलोड करने के लिए। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है, सबसे पहले आप यहां पे अपनी इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहां पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम मिला था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पे डालने के बाद आपको यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद सही से कैप्चा डाल के आप यहां पे कर देंगे लॉगिन, और यहां पे लॉगिन करने के बाद आपको डायरेक्टली फ्लैश हो जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के कॉल लेटर, वहां से आप अपने कॉल लेटर को फ्रेंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट तरीका रहेगा कैसे आपको अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करना है मेंस एग्जामिनेशन सभी कैटेगरी के लिए, जो कि आपका 11 अगस्त 2019 को फ्रेंड्स एग्जाम कंडक्ट होगा। अब हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं जो आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसका आपका क्या यहां पे पैटर्न रहेगा, और किस तरीके के आपको सैंपल टाइप फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ओपन मार्केट कैटेगरी, तो यहां पे आप देख सकते हैं इसमें आपके टोटल 3 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे, और ईच सेक्शन आपके यहां पे 50-50 मार्क्स की रहेगी, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स भी आपके यहाँ पे 150 रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा, और हर सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे जो मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा, और आपको यहाँ पे 120 मिनट यानी कि 1.5 घंटा यहाँ पे ओपन मार्केट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को दिया जाएगा एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं एजेंट कैटेगरी, इनके भी यहां पे 3 कैटेगरी रहेंगी, और एम्प्लॉय कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहां पे 3 कैटेगरी रहेंगी, यहां पे 3 सेक्शन रहेंगी। इसमें आप यहां पे देख सकते हैं सेपरेट सेक्शन वाइज आपके कितने क्वेश्चन हैं और कितने नंबर ऑफ आपके मार्क्स हैं। तो यहां पे लगभग एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए और एजेंट कैटेगरी के लिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 हैं, और मैक्सिमम मार्क्स आपके यहां पे 150 ही रहेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपको 120 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको यहां पे एजेंट एंड एम्प्लॉय कैटेगरी दोनों कैंडिडेट को यहां पे दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो यहां पे तीनों कैटेगरी के लिए ऊपर वाली 2 सेक्शन सभी के लिए सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ये थर्ड सेक्शन है ये आपकी अलग अलग रहेगी कैटेगरी वाइज। यहां पे आप कलर भी देख भी सकते हैं, यहां पे डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि आपकी जो थर्ड वाली सेक्शन है तीनों कैटेगरी के लिए ये आपकी अलग अलग रहेगी, बाकी आपकी दोनों ऊपर वाली सेक्शन तीनों कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स सेम रहेंगी। तो यहां पे आप जो एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं अच्छे तरीके से अभी से इसकी प्रेपरेशन आप और ज्यादा एक्सेलरेट कर लेंगे। सैंपल टाइप क्वेश्चन आप यहां पे देख लेते हैं कि किस तरीके के आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चन यहां पे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड आपको डाउट है कि आपकी मेंस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स क्लियरली देख सकते हैं इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, अगर आप कोई गलत क्वेश्चन कर लेते हैं उसका आंसर गलत दे देते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ेगी, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग किसी भी कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स नहीं रहेगी। तो ये जो आपके माइंड में डाउट है ये यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। तो और 120 मिनट आपको यहां पे दिया जाएगा, बार बार मैं आपको यहां पे बोल रहा हूं, बहुत ही कम टाइम आपको यहां पे, यानी कि एक क्वेश्चन को आपको यहां पे करने के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टाइम मिल रहा है, फिर भी आपको अपना टाइम यहां पे मैनेज करना है, अपने टाइम के हिसाब से अपने मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे जो भी आपका जिस भी कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स आपने अप्लाई किया हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन वाइज यहाँ पे और कैटेगरी वाइज जो आपके मैंने डिस्कस की कि ऊपर वाली 2 सेक्शन आपकी सेम थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल टाइप क्वेश्चन आपके किस तरीके के फ्रेंड्स रहेंगे ईच सेक्शन वाइज, वो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जो कि आपको ये वाला लेआउट यहाँ पे LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो एग्जाम देने से पहले आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे सभी यहाँ पे हर सेक्शन से कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर थर्ड जो आपका तीसरी सेक्शन रहेगी वो आपकी सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग रहेगी, उसके सैंपल टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे फ्रेंड्स इन्होंने दिए हुए हैं। तो ये आपका फ्रेंड्स कंप्लीट प्रोसेस रहेगा मेन्स एग्जामिनेशन का, जो कि आपका 11 अगस्त 2019 को सभी कैटेगरी के लिए ओपन मार्केट कैटेगरी एजेंट वाली और आपकी एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स
कंडक्ट होगा। तो जल्दी से अपने कॉल लेटर को आप यहां पे डाउनलोड कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, और मेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ लेंगे जो कि हमने फ्रेंड्स अच्छे तरीके से यहां पे डिस्कस कर लिया है। तो यहां पे जो आपको लेआउट मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन का वो आप यहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन हैंड आउट डाउनलोड, यहां पर हिंदी और इंग्लिश में जो भी आपकी सूटेबल लैंग्वेज एनालाइज आप कर सकते हैं उसको आप यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश में, और अच्छे तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी अभी से फ्रेंड्स शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है कॉल लेटर को डाउनलोड करते टाइम, या फिर कोई भी कंफ्यूजन है जो हमने यहां पे डिस्कस किया, तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे विद इन सेकंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी आने वाली हर अपडेटेड वीडियो के साथ अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।